ये कर रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इनमें ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पज से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है। जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है। और अभी हम इनको ट्रांजिट रिमांड में लाकर यहाँ पे हम लखनऊ में एटीएस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं, इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि टेरर फंडिंग कौन कर रहा है, तो फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता है, तो इन सब चीजों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और यही कारण है कि मेरे पुलिस पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और इनको हम कोर्ट करने के बाद हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर फर्दर डिटेल्स देंगे। इन सब के बारे में आपको मैं प्रेस नोट दे दूंगा, आप उनके फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से भी टच में हैं और ये फर्दर जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन जो भी आएगा, जो भी हमारे डिटेल्स आएंगे उनको हम बाद में शेयर करेंगे। हमारी टीम ने काफी मदद किया है और उन टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, तो मैं आने पर उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। तो मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो आपको बताना जरूरी है और इसी को शेयर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर ये जो दो लोग थे ये सहारनपुर में कब से रह रहे थे? ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे, रात में हमने उसको लैब किया है, फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं मिला है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो होगा उस पर। देवबंद के किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था? सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे वहाँ पे। सर कुछ और लोग क्या रिलेटेड हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गवर्नमेंट का दिख रहा है? कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? जो इसके सर्वे पर इसको करते रहे और ये बात आपकी जो मुख्यालय में प्रेस रूम थी उसमें भी कही जाती है, लेकिन क्या ये कोई नई शिक्षा है? देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है और उस वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है विच कैन लीड टू अरेस्ट और विच कैन लीड टू फर्दर इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, हम उन पर ऑपरेशन चलाते हैं। ये उसी का नतीजा है कि जब हमने इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद वेन वी मेक कन्विंस कि ये इस तरह का मामला है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है और उसके बाद ही हमने ये अभी हमें बड़ा ये अभी कहना बड़ा कठिन है और जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं। ये पुलवामा के एपिसोड से पहले आए या उसके बाद आए ये कहना भी अभी मुश्किल है, लेकिन जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे हम नहीं बताट। जो हमें उनके मोबाइल्स मिले हैं, जो हमें वीडियो फिल्म्स मिले हैं, उन सबों का भी हम अध्ययन करेंगे और उनसे हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें। सर ये बताइए जो शाहनवाज है ये कैसे स्टैब्लिश हो रहा है कि जैश आदमी और कितने साल के साथ पहले चीज और क्या और लोग भी इसको रिटेन है? हमारे पास एविडेंस है जिसको हम अभी शेयर नहीं करते। लेट्स सी, जैसे जैसे अनफोल्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन वैसे वैसे हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, एक सवाल ये है, उसके लिए जगह कौन सा? देवबंद से हुई है।